आज हम मेज रनर मूवी के पार्ट 3 को लेकर विस्तार में आलोचना करेंगे, और अगर आप इस मूवी के पार्ट 1 और 2 की स्टोरी जानना चाहते हैं, तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। स्टोरी को सही से समझने के लिए आप पहले के 2 पार्ट्स देख सकते हैं। अभी थॉमस के साथ 2 दोस्त बचे हैं, एक न्यूट और एक फ्राइपन। तो वो लोग राइट आर्म के टीम के साथ WCKD के एक ट्रेन से कुछ इम्यून सर्वाइवर्स को बचा के लाते हैं। पर थॉमस के फ्रेंड मिनो उस ट्रेन में नहीं था। फिर विंस मना करने के बावजूद थॉमस और उसके बाकी 2 दोस्त मिनो को लाने के लिए WCKD के मेन बेस में जाते हैं, जिसे कि द लास्ट सिटी भी बुलाया जाता है। रास्ते में उन लोगों के ऊपर ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं, मगर जॉर्ज और ब्रेंडा आके उन लोगों को बचा लेते हैं। फिर 5 मिलके लास्ट सिटी की दीवार तक पहुंच जाते हैं, और उसके बाहर बहुत लोग विरोध कर रहे थे क्योंकि उन लोगों को द लास्ट सिटी के अंदर घुसने नहीं दिया जा रहा था। तभी WCKD के ट्रूप्स उन प्रोटेस्टर्स के ऊपर गोली चला देते हैं, और कुछ मास्क पहने हुए लोग गाड़ी से आकर थॉमस और ग्रुप के बाकी लोगों को उठा के एक फैसिलिटी ले जाते हैं, और वहां पर जाके पता चलता है कि मास्क के अंदर कैली है और वो उस भाले से मरा नहीं था। फिर वो लोग वहां जाके रिबेलियन ग्रुप के लीडर लॉरेंस से मिलते हैं। लॉरेंस उन लोगों को एक सीक्रेट एंट्रेंस से द लास्ट सिटी के अंदर घुसने में मदद करता है। उसके बाद सिटी के अंदर जाके थॉमस कैली और न्यूट बाइनोकुलर से थेरेसा को देखते हैं, जो कि अभी WCKD के लिए काम करती है। उसके बाद एक सीन में न्यूट थॉमस को बताता है कि वो इन्फेक्टेड है। फिर वो लोग थेरेसा को किडनैप करके उसी के साथ उसी के आईडी से WCKD के हेडक्वार्टर्स पर घुस जाते हैं, WCKD के ट्रूप्स की यूनिफॉर्म पहन के। वो लोग फिर इम्यून सर्वाइवर्स की सेल के तरफ जाते हैं। गैली उन इम्यून बच्चों के साथ ही रहता है और क्योर के सिरम ढूंढने की कोशिश करता है, और उस तरफ थॉमस न्यूट और थेरेसा मिनो को ढूंढने जाते हैं। तब जेनिसन उन लोगों को देख लेता है। थेरेसा उन लोगों को भागने में मदद करती है ताकि वो लोग उस सेल से निकल के दूसरी सेल में जाके मिनो को ढूंढ सके। इसी दौरान थेरेसा को थॉमस का ब्लड मिल जाता है, और वो जल्दी से लैब जाती है उसे टेस्ट करने। ब्रेंडा वहां पर बस लेके आती है, तो कैली उन बच्चों और सेरम को ब्रेंडा के पास रख के हेडक्वार्टर्स वापस जाता है थॉमस को ढूंढने के लिए। तभी WCKD की टीम ब्रेंडा के बस को अटैक कर देता है, और वो बच्चों को लेकर वहाँ से भाग जाती है। थॉमस और न्यूट फाइनली मिनो से मिलता है। इस तरफ थेरेसा को टेस्ट से पता चलती है कि थॉमस के ब्लड से वायरस का क्योर हो सकता है, और वो WCKD के हेड एवा पेज को ये बताती है। एवा बताती है कि थॉमस को अभी यहाँ पर लाना पड़ेगा। ब्रेंडा और इम्यून बच्चों फ्राइपैन के मदद से WCKD से भागने में सफल होता है। दूसरी तरफ लॉरेंस प्रोटेस्टर्स को लेके सिटी की दीवार उड़ा देते हैं ताकि सभी लोग सिटी के अंदर जा सके। हालांकि इस धमाके में लॉरेंस मर जाते हैं। गैली थॉमस मिनो और न्यूट से मिलता है, और न्यूट ज़ॉम्बी में चेंज होने लग रहा होता है, तो मिनो और गैली ब्रेंडा से क्योर लाने जाता है, और न्यूट थॉमस को एक पेंडेंट देता है। उसके बाद थेरेसा लैब से अनाउंस करती है, जो पूरे शहर में सुनाई देता है। वो थॉमस को बताती है कि थॉमस के ब्लड से इस वायरस का क्योर बनाया जा सकता है, तो थॉमस अगर वापस आई तो वो न्यूट को बचा सकती है। और फिर न्यूट का इन्फेक्शन बढ़ने लगता है, तो वो थॉमस को अटैक करने की कोशिश करता है, पर कॉन्शियस होकर थॉमस को कहता है उसे मार देने के लिए, तो थॉमस उसके बात नहीं सुनता है और न्यूट चाकू लेके अपने आप को मार देता है। थॉमस WCKD वापस जाता है और एवा से मिलता है, परंतु पीछे से जेनिसन, जो कि तब तक इन्फेक्टेड हो चुका था, एवा को गोली मार देता है। फिर वो थॉमस को घसीट के लैब के अंदर ले जाता है, जहां पर थेरेसा उसके ब्लड निकालने की प्रोसेस की तैयारी कर रही थी। वहां जेनिसन बताता है कि इससे जो मेडिसिन बनेगा उससे वो खुद को और कुछ चुनिंदे लोगों को ही बचाएगा। ये सुन के थेरेसा मन बदल लेती है और जेनिसन के सर पे एक कांच की बॉटल से मारती है। फिर थॉमस जेनिसन को मार देता है। थॉमस और थेरेसा छत के ऊपर चढ़ जाते हैं, और थेरेसा थॉमस को एक क्योर का वायल देती है। तब थॉमस के दोस्त वहां पर हेलीकॉप्टर लेके उन लोगों को बचाने आते हैं, और थॉमस उस पे चढ़ जाता है, पर थेरेसा चढ़ने से पहले WCKD के हेडक्वार्टर्स कोलैप्स कर जाते हैं।
उसके बाद दिखाया जाता है कि एक सुरक्षित जगह पर राइटर और ग्रुप्स के सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, जहां पर सभी सुरक्षित तरीके से बाकी की जिंदगी जी सकते हैं। लास्ट सीन में उस पेंडेंट के अंदर से थॉमस को एक गुड बाय नोट मिलता है जो कि बहुत ही इमोशनल था, और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। और अगर आप जानना चाहते हैं कि प्लेन क्रश की वजह से एक इंसान एक सुनसान आइलैंड पर गिरने के बाद कैसे सरवाइव करता है तो राइट साइड के वीडियो पर क्लिक करें। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि हम रोज ऐसे ही वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।